2 मार्च को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित धार एवं अमझेरा दौरे को लेकर आज कमिश्नर, आईजी और धार कलेक्टर सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने जन आधार यात्रा के इस कार्यक्रम को लेकर धार में जहां हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए, वहीं अमझेरा पहुंचकर मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रसिद्ध रुक्मणी हरण स्थल और माता अमका झमका मंदिर परिसर में निरीक्षण करते हुए प्राचीन मंदिरों के दर्शन पूजन भी किए। इसके अलावा उन्होंने अमर शहीद महाराणा बख्तावर सिंह जी के जीर्ण शीर्ण महल को भी देखा और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के 2 मार्च के प्रस्तावित दौरे के अनुसार सर्वप्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह धार पहुंचेंगे, जहां वे जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होकर नगर के प्रमुख मार्गों पर निकलेंगे, जिसके बाद पीजी कॉलेज में एक सभा का भी आयोजन होना है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाग लेंगे और कई योजनाओं की घोषणा भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का अमझेरा में भी दौरा रहेगा, जहां पर वह प्राचीन अमका झमका माता मंदिर में दर्शन पूजन के अलावा स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेकर अमझेरा में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी प्राचीन निशानियों को लेकर उनके द्वारा विकास की गई घोषणा पर भी रूपरेखा तय करेंगे, जिसको लेकर आज कमिश्नर इंदौर माल सिंह, आईजी अनुराग जी एवं धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार सहित जिले के आला अधिकारियों ने सभा स्थल, हेलीपैड सहित आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर अमझेरा पहुंचे थे और मीडिया से आयोजन को लेकर भी चर्चा की। तैयारियां हमारी जोरों शोरों पे चल रही हैं और धार का स्थानीय जो सभा, जिला स्तरीय जो सभा रहेगी उसमें पेंशन वितरण रहेगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम रहेगा वो, और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम के तहत जो पंचायतों में विकास के कार्य लिए जा रहे हैं उन सभी भूमि पूजन रहेगा और रोड शो रहेगा धार शहर में। उसके बाद उस कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री जी अमझेरा आएंगे और अमझेरा में माता जी के दर्शन करेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। मुख्यतः ये उनका इच्छा है यहाँ आकर के दर्शन करने की, और उसके अलावा जो स्थानीय अभी जो कार्यक्रम तय किए हैं वो भी यहाँ पे करके यहाँ पे स्थान। सर कुल कितने मिनट का कार्यक्रम? अभी लगभग आधे घंटे का है धार अमझेरा में जो समय देंगे आधे घंटे का है, उसी में हम लोग का कार्यक्रम। आज हम लोग आईजी साहब में और कलेक्टर साहब, एडिशनल एसपी और जो भी प्रशासनिक अमला सभी अधिकारी धार का पहले हमने भ्रमण किया, वहाँ पर कहाँ सभा होना, कहाँ जन आभार यात्रा होना, हेलीपैड इत्यादि की समस्त व्यवस्थाएँ देखी है। यहाँ पे भी अभी आप यहाँ पर माता जी के मंदिर की व्यवस्थाएँ देखी है यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ में, और अच्छा प्लान किया जा रहा है, बहुत अच्छी यात्रा है। सर कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा? स्वरूप वहाँ पर जनसभा है धार में और जन आशीर्वाद यात्रा है और सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसका सिंगल क्लिक से सभी प्रदेश के सभी हितग्राहियों का वितरण है। इसके अलावा जनजातीय उत्सव सम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा और सभी हितग्राहियों को वहाँ पर आमंत्रित करते हैं। सर सीएम साहब किस रूट से आएंगे, बाइक कार आएंगे? सबसे पहले हेलीकॉप्टर से धार आना है, धार का कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद में यहाँ अमझेरा आना है और उसका डिटेल कार्यक्रम अभी वहाँ से भोपाल से आना है, वो फाइनल हो जाएगा तो आपका अवगत करें। अमझेरा में क्या कार्यक्रम रहेगा? सर अमझेरा में माता जी के दर्शन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो बनाया है कार्यक्रम में उस अनुसार पूरा कार्यक्रम। सर सीएम साहब ने घोषणा की है कि अमझेरा का विकास किया जाएगा, तो क्या उसको लेकर भी कोई उम्मीद है? जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश होंगे उसका पालन